खानागाजी ब्लॉक जो है वहाँ पर एक दलित बालिका के साथ में जो दरिंदों ने बलात्कार किया है, वो जो हिंदुस्तान में एक निर्भया रेप कांड हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा घिनौना और जघन्य कांड है। सरकार को इसमें गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और इस कांड के पीछे जो है मुख्य रूप से सरकारी मशीनरी है, क्योंकि सरकारी मशीनरी में तमाम जो अधिकारी है वो गैर दलित लोग बैठे हैं और वो दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो शायद उनको दर्द होता। इसलिए ही सरकार को चाहिए कि डीजीपी से लगा करके थाना अधिकारी और सिपाहियों तक सबको निलंबित किया जाए और एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर सुनवाई करके उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पूरे राजस्थान में, जैसा कि अभी सारे सामाजिक संगठन जो है कल भी जयपुर बंद किया था, फिर पूरे राजस्थान बंद का आह्वान करेंगे और हम लोग न्याय की मांग करेंगे। और आगे के लिए सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, उस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी किसी थाना अधिकारी के क्षेत्र में किसी प्रकार का दलितों के साथ में या किसी महिला के साथ में किसी बालिका के साथ में रेप का कांड होता है या इस तरीके की घिनौनी हरकत होती है तो उसके लिए सीधे रूप से SHO और DYSP, SP इन सबको मुलजिम माना जाए और उन सबको उसके लिए जिम्मेदार मान करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो SC ST एक्ट है उसका Section 4 है, उसमें यह प्रोविजन है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अगर SC ST के मामले में जानबूझ करके लापरवाही से कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ SC ST एक्ट की Section 4 में कार्रवाई की जानी चाहिए। नाम मेरा नाम तुलसीदास राज है, राज्य संयोजक दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान।